वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर इज़ द अबाउट डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन केनाल रेज, भी इसको कहते हैं प्रोटॉन को। सबसे पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन यूज परफोरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ही ऑब्जर्व दैट अनदर रेज ट्रेवल्ड अपोजिट टू द कैथोड रेज। ई गोल्डस्टीन ने भी परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया वही डिस्चार्ज ट्यूब में जो इससे पहले इस्तेमाल जे जे थॉम्सन ने किया था, विलियम क्रूक ने किया था। इसने भी वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन सिर्फ इसने क्या किया, एक परफोरेटेड कैथोड इसने इस्तेमाल किया। दिस उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्या देखा, अनदर रेज, ही ऑब्जर्व अनदर रेज ट्रेवलिंग अपोजिट टू द कैथोड रेज। दीज रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एनोड, फ्रॉम द एनोड, बट व्हेन द कैथोड रेज हिट द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, सो दीज रेज वर आयोनाइज्ड एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। दे ट्रेवल्ड टूवर्ड द कैथोड एंड पास्ड ओवर द होल्स यानी कि कैनाल्स ऑफ द कैथोड। कैथोड के अंदर जो होल्स मौजूद है उसको कैनाल्स भी कहते हैं। तो ये रेज जब प्रोड्यूस होते थे तो ये इन होल्स या कैनाल से निकल जाते थे, इसलिए इसको कैनाल रेज भी कहा गया। एंड कास्ट अ ग्लो ऑन द ग्लास वॉल, इसके बैक साइड पे ग्लास वॉल पे एक ग्लो क्रिएट कर रहा था। एंड दैट वॉज वाई दीज वर कॉल्ड कैनाल रेज एंड वर लेटर ऑन कॉल्ड पॉजिटिव रेज, इसको पॉजिटिव रेज भी कहा गया। नाउ लेट्स सी ये कैसे प्रोड्यूस हुए। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द कैथोड कैनाल रेज। यहाँ पर गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड। उन्होंने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया जो सुराखदार है, अंदर से होल्स रखते हैं, कैनाल्स रखते हैं। वही कंडीशंस उन्होंने दी, 0.01 टार इंटरनल प्रेशर क्रिएट किया और 5000 से लेकर 10000 तक वोल्टेज तक उन्होंने करंट सप्लाई किया। तो जब कैथोड रेज प्रोडक्शन कंडीशंस प्रोवाइड किए गए, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुए। कैथोड रेज क्या किया उन्होंने, यहाँ पर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स को हिट किया। हिट करने के बाद इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिहाजा इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स क्रिएट हुए। दीज लेटर ऑन ट्रेवल टुवर्ड द कैथोड बैक, कैथोड की तरफ सफ़र करने के बाद ये इस परफोरेटेड कैथोड की होल से कैनाल से निकल के यहाँ पर हिट कर रहे थे तो ग्लो कर रहे थे। तो ई गोल्डस्टीन ने ये देखा था कि ये कैनाल रेज जो है ये इस होल से निकल के बैक साइड पर हिट कर रहे हैं, लिहाजा इसको कैनाल रेज का नाम दिया गया। बाद में उसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैनाल रेज। कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे मूव इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की तरह सफ़र कर रहे हैं, कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट सफ़र कर रहे हैं। दे हैव अपोजिट बिहेवियर टू द कैथोड रेज इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रेज की अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, कैथोड रेज एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे लेकिन ये कैनाल रेज कैथोड की तरह तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। चार्ज टू मास रेशो इज स्मॉलर देन द कैथोड रेज, चार्ज टू मास रेशो छोटा है कैथोड रेज से, बट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज इन द ट्यूब, उस गैस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हैवियर द गैस स्मॉलर चार्ज टू मास रेशो, आर लाइट हियर द गैस लार्जर चार्ज टू मास रेशो। सिमिलरली पॉइंट नंबर फोर, लाइटेस्ट एंड सिंपलेस्ट कैनाल रेज वर प्रोड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन एटम। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डाला गया तो सबसे सिंपल पार्टिकल, सबसे सिंपल कैनाल रेज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। इट मीन्स कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, वो यूजुअली सिंपल कैनाल रेज ही प्रोड्यूस करेंगे। द नेम प्रोटॉन वॉज देन सजेस्टेड आर गिवन बाई द रदरफोर्ड टू द कैनाल रेज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के सबसे सिंपलेस्ट थे कैनाल रेज, इसलिए उसको हाइड्रोजन एटम का नाम दिया किसने, रदरफोर्ड ने। द मास ऑफ द कैनाल रेज इज नेवर लेस देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। बाद में जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, रियल में जब डिटेक्ट हुआ, तो उसका जो मास था कैनाल रेज के बिल्कुल बराबर था, कैनाल रेज का मास प्रोटॉन के बराबर था। मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6
मल्टीप्लाई बाई 10^-27 kg, ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, उसका -31 था, 9.1 -31 kg, और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एग्जैक्टली वही है जो उसमें था, लेकिन यहाँ पर ये प्लस में है, ठीक है, वो माइनस में था, ये प्लस में है, लिहाजा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। जब डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, तीसरा डिस्कवरी है न्यूट्रॉन डिस्कवरी। इसमें क्या हुआ, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, यहां पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। रदरफोर्ड ने नोटिस किया कि जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन है, तो हीलियम को दो गुना ज़्यादा हाइड्रोजन पर हैवी होना चाहिए था, लेकिन असल में रियल में ये फोर गुना था, फोर गुना ज़्यादा हैवी था। दिस पॉइंट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, कि ये हीलियम जो चूंकि इसमें दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन होनी चाहिए, लेकिन दो गुना ज़्यादा होना भारी होनी चाहिए हाइड्रोजन की बनस्पत, लेकिन ये रियल में चार गुना भारी था, इसलिए साइंसदानों को इस बात पर फिक्र हुई और ये पॉइंट ले गए का डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन तक। लेट्स सी, इन 1920 रदरफोर्ड नोटिस्ड दैट एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑनली बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उन्होंने ये देखा कि हम एक एटम की एटॉमिक मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्या क्यों? हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन while helium atom has two proton, so that the mass of helium must be two times greater. अगर helium में दो proton है, hydrogen में एक proton है, तो helium को दो times greater होना चाहिए mass में, but then hydrogen atom, while in reality it was four times greater than the mass of hydrogen atom. हकीकत में ये चार गुना ज़्यादा भारी था। Thus, in 1932, James Chadwick performed experiments on the artificial radioactivity and proved that certain neutral particles are also exist in the nucleus of the atom. He was awarded Nobel Prize in 1935. He bombarded alpha particles, helium atoms, neutral helium atoms produced by the polonium on a thin sheet of the beryllium. Beryllium atoms, for example, उन्होंने क्या किया? जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हेलियम एटम्स को उन्होंने बम्बार्ड किया बेरिलियम पे। यहाँ पर इसके साथ दो प्रोटॉन है, चार प्रोटॉन ये हुए, ये टोटल सिक्स बन गए। इसके साथ चार एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास नौ है, तो ये नौ और चार कुल मिला के 13 बन रहा है। इससे एक कार्बन 12 प्रोड्यूस हुआ, प्लस वन एक न्यूट्रल ज़रा निकल रहा है। यहाँ पर जेम्स चैडविक ने ये न्यूट्रल ज़रा जो है वो मालूम किए, कैसे प्रोड्यूस हुआ, लेट्स सी द कंडीशंस। उन्होंने पोलोनियम सार से अल्फा पार्टिकल्स पर बम्बार्डमेंट की हीलियम एटम्स को, तो इससे प्रोड्यूस हुए अल्फा पार्टिकल्स पोलोनियम सार्स पे बेरिलियम पे बाद में बम्बार्ड किया गया, तो यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स रह गए कहाँ, टू द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है। लेट्स सी, मैं दोबारा इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ बच्चे शायद इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। लेट्स सी द केस, दिस इज़ द हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस में 2-4, इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है और एटॉमिक मास 4 है, तो यानी कि इसमें दो न्यूट्रॉन भी है, प्लस एक बेरिलियम है, बेरिलियम में चार एटॉमिक नंबर है और नौ एटॉमिक मास है। लेट्स सी, इसके अंदर चार प्रोटॉन है और इसके अंदर 4-9 = 5 न्यूट्रॉन है, तो ये दो जब एक दूसरे पर बम्बार्ड किए गए तो इससे एक प्रोड्यूस हुआ कार्बन 6-12 प्लस वन न्यूट्रल पार्टिकल। व्हाट डज इट मींस, कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन, 2 + 4 = 6, और कार्बन 12 में 6-12 = 6, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन भी आ गए। 6 न्यूट्रॉन आने के बाद
तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन इजाफी बन जाता है, तो वो वन न्यूट्रॉन ये है जो प्रोड्यूस हुआ। तो असल में जेम्स चैडविक ने ये एक न्यूट्रॉन डिटेक्ट किया और इसलिए उन्होंने ये क्लेम किया कि एटम में के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा एक और न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद है जिसको न्यूट्रॉन कहा जाता है, वो न्यूट्रल है। कैसे? ही पॉन्ड दैट सम हाई पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड दैट वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स बिकॉज दीज चार्ज डिटेक्टर्स शोड देम टू बी न्यूट्रल। चार्ज डिटेक्टर के जरिए उन्होंने ये मालूम किया कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स। ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी आ सकते हैं, प्रोटॉन की भी आ सकते हैं और न्यूट्रॉन की भी आ सकते हैं, लिहाजा इन सब को आपने याद करना है वर्बली। प्रॉपर्टीज, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड कैनॉट आयनाइज द गैसेज। ये न्यूट्रल है, गैस को आयनाइज नहीं कर सकते। दे आर हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल्स एंड कैन नॉक आउट द प्रोटॉन्स फ्रॉम द पैराफिन वाटर एंड पेपर मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। ये इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। पेनेट्रेटिंग मीन्स किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, इलेक्ट्रॉन्स की वो खासियत नहीं है न प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन की ये खासियत बहुत ज़्यादा है। मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, फॉर एग्जाम्पल 1.00687 AMU। प्रोटॉन का जो मास था वो तकरीबन 1.00758 AMU था, तो वो स्लाइटली इसका जो है न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली बहुत मामूली सा प्रोटॉन से ज़्यादा है। अ प्री न्यूट्रॉन डिके इनटू द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। एक प्री न्यूट्रॉन जब डिके टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसे एक प्रोटॉन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एक न्यूट्रिनो फर्दर मजीद छोटा ज़रा बन जाता है। पास्ट न्यूट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग विद द एनर्जी ऑफ 1.1 to 20 MeV एंड आर लेस इफेक्टिव देन द स्लो इलेक्ट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन्स ट्रेवलिंग विद द 1 to 10 ELV। दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है वो लेस इफेक्टिव है देन स्लो न्यूट्रॉन्स के। सिमिलरली न्यूट्रॉन्स कैन कैरी न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हेन यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कैरी कर सकते हैं। कैसे? लेट सपोज इफ वी बम्बार्ड द वन न्यूट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन 7-14 दे विल प्रोड्यूस वन बोरोन एटम 5 with 11 atomic mass एंड हीलियम एटम 2 to 4 atomic mass। सिमिलरली अगर हम इसको बम्बार करेंगे कॉपर 65 पे तो इससे कॉपर 66 प्रोड्यूस होगा, साथ में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेटर ऑन दिस कॉपर 66 डिकेज इनटू द जिंक 30 and 66 एंड आल्सो प्रोड्यूसेस 1 electron। साथ में ये न्यूट्रॉन्स जो है ये बहुत यूजफुल पार्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक वर्क्स में इस्तेमाल होती है। लेट्स सी द यूजेस ऑफ न्यूट्रॉन। ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर में इस्तेमाल होता है, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस और एटॉमिक मॉडल्स पे बात करेंगे। जो क्वेश्चन क्वेरीज है काइंडली हमें इनबॉक्स या हमें कमेंट सेक्शन में आगा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।